हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वो पढ़ने वाले हैं, गर्ल्स वर्दी के मेजर वर्क्स पढ़ने वाले हैं, जो कि गर्ल्स वर्दी से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनके वर्क्स भी आते हैं कि ऐसे आपका दे दिया जाएगा। 4 वर्क्स उनके रहेंगे, जिसमें से 3 वर्क्स आपके गर्ल्स वर्दी के रहेंगे, 1 अदर राइटर के रहेंगे। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि गर्ल्स वर्दी से कौन सा वर्क गर्ल्स वर्दी के द्वारा लिखा गया है, तो आपने बताना है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं TGT में, क्योंकि ऑब्वियसली गर्ल्स वर्दी हमारे TGT में है, तो ये वीडियो आपके UP TGT जहाँ पे भी आपके गर्ल्स वर्दी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि UP TGT के सिलेबस में गर्ल्स वर्दी हैं। तो इनके मेजर वर्क्स देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। आप इसको ज़रूर 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपके उनके जो भी वर्क्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेजर वर्क्स ऑफ गर्ल्स वर्दी, जो उनके अर्ली वर्क्स हैं यानी कि अंडर सिडोनिम जॉन सेंट जॉन के तहत आए हुए हैं, उनके जो अर्ली वर्क्स हैं वो जो भी उनके अर्ली वर्क्स थे उन पर टाइटल किसका लिखा रहता था, इनका उपनाम जो रहता था यानी कि इनका जो सिडोनिम था जॉन सेंट जॉन के नाम से आता था। तो फर्स्ट देखेंगे 1897 में इनका जो वर्क आया फ्रॉम द फोर विंड्स, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, जो कब आया है 1897 में, ये भी जॉन सेंट जॉन के टाइटल पे आया है, अंडर द जॉन सेंट जॉन। 1901 में इनका वर्क आता है अ मैन ऑफ डिवॉन, जो कि एक नॉवल है, पब्लिश्ड हुआ था एज जॉन सेंट जॉन के नाम से। 1901 में देखिए अ नाइट है, ये भी एक नॉवल है। 1901 में द साइलेंस, ये एक फिक्शन है, आपने याद रखनी है सारा कुछ जिनके भी उनके वर्क्स हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। तो 1901 में द साइलेंस है, साइलेंस क्या है, इनका फिक्शन है। 1901 में सेल्वेशन ऑफ फोर साइट आया है, ये एक नॉवल है, ये एक क्या है, नॉवेल्स है, ये याद रखना है। 1898 में जोसीलिन आया था, ये भी एक नॉवल था। 1900 में इनका जो वर्क आया है विला रूबेन, ये इनका वर्क आया था विला रूबेन। 1904 में द आइलैंड फेरिसीज आया था, ये इनके नेम से आया था यानी कि जॉन गॉल्स वर्दी के नेम से आया था, तो ये आपने याद रखनी है, और ये 1904 में आया था, ठीक है। 1904 में इनके फादर की भी डेथ हो जाती है, मैं जहाँ पे भी बताती हूँ इनके फादर डाइड, ये याद रखना है आपने, ओके। उसके बाद 1906 में देखिए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका नॉवल आया था। 1907 में द कंट्री हाउस थे, ये सारे इनके अर्ली वर्क्स हैं। उसके बाद देखिए 1909 में फ्रेटर्निटी, आपने याद रखना है 1904 के बाद जितने भी इनके वर्क्स आए हैं वो इनके रियल नेम से आए हैं, यहाँ पे इन्होंने आइलैंड, यहाँ पे जो 1904 में ये जो आइलैंड फेरिसीज आया था ये इनके नेम से आया था, और इन्होंने अपने सिडोनिम को क्या कर दिया था, ड्रॉप्ड कर दिया था, तो ये याद रखना है आपने, ओके। यहाँ पे याद रखना है क्योंकि उसके बाद जितने भी वर्क आए थे ना ये इनके रियल नेम से आए हैं। 1909 में फ्रेटर्निटी आया हुआ है, 1911 में द पेट्रिशियन आया हुआ है, ये देखना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे वर्क क्या कह रहा है, 1913 में द डार्क फ्लावर आया है, डार्क फ्लावर क्या है, एक लव नॉवल है। उसके बाद 1915 में फ्री लैंड्स आया है, 1917 में बियॉन्ड आया है, 1919 में द सेंट्स प्रोग्रेस आया है, 1920 में द चांसरी आया है, 1921 में टू लेट, 1922 द फोर्थ साइड सागा, द फोर्थ साइड सागा पूरा पब्लिश हो गया था 1922 में, और जिसमें कितने थे, 3 नॉवल्स थे, अभी हम पढ़ेंगे, 3 नॉवल्स थे और 2 इंटरल्यूड थे, ठीक है। ये पूरा पब्लिश हुआ था एक टाइटल में, उसका टाइटल क्या था, द फोर साइड्स सागा, कब आया था, 1922 में आया था। 1924 में द वाइट मंकी आया है, 1925 में द सो आया है, ये आपने ध्यान देना है। उसके बाद देखिए 1927 में साइलेंट वूविंग आया है, 1927 में पासर्स बाय आया है, ये इंटरल्यूड है। उसके बाद ये साइलेंट वूविंग, पासर्स बाय, ये दोनों इंटरल्यूड है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, 1928 में स्वांग स्वांग, 1913 में ऑन फोर साइड चेंज, 1931 में मेड इन वेटिंग, तो ये सारे वर्क्स हैं उनके, और भी देख लेते हैं। 1932 में फ्लावरिंग विल्डरनेस, और 1933 में ओवर द रिवर, ये इनके कुछ अर्ली वर्क्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब हम देखेंगे फर्स्ट ट्रायलॉजी में क्या क्या था, फोर साइड सागा फर्स्ट ट्रायलॉजी थी, और इसमें कितने नॉवेल्स थे ये हमें देखना है। तो फर्स्ट ट्रायलॉजी में फोर साइड सागा, ये कब पब्लिश हुआ था, 1922 में पब्लिश हुआ था, ये एक सीरीज़ था, 3 नॉवेल्स का सीरीज़ था और 2 इंटरल्यूड का सीरीज़ था,
जो पब्लिश कब हुआ था, 1906 से 1921 के बीच में ये पब्लिश हुआ था। ओके, इसमें 3 नॉवल्स थे, 2 इंटरल्यूड्स थे। 3 नॉवल्स क्या थे ये ध्यान देना है, 3 नॉवल्स क्या थे, क्रॉनिकल्स, द फोर साइड फैमिली, अ फिक्शनल अपर मिडिल क्लास, ये याद रखना है, अपर मिडिल क्लास फैमिली एट द एंड ऑफ द विक्टोरियन एरा। तो फोर साइड सागा किससे, किससे डील करता है, अपर मिडिल क्लास से डील करता है। इसका थीम क्या है, तो ये आपने याद रखनी है, थीम क्या है, अपर मिडिल क्लास। ओके, तो इसमें 3 नॉवल्स थे, 2 इंटरल्यूड। देख लेते हैं 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये इनका नॉवल है, फर्स्ट नॉवल था इनका। उसके बाद 1918 में इनका देन क्या आया, इंटरल्यूड आया, ये इंटरल्यूड है यहाँ पे लिखा है मैंने। 1920 में फिर चांसरी, ये भी नॉवल है, ये भी क्या है, नॉवल है। फिर 1920 में अवेकनिंग आया था, 1920 में अवेकनिंग, ये सेकंड इंटरल्यूड है। एंड लास्ट 1921 में टू लेट, ये क्या है, नॉवल है। तो 3 नॉवल 2 इंटरल्यूड का ये एक सीरीज उन्होंने बनाया था, जिसका पूरा फुल टाइटल क्या दिया था, फोर साइड सागा दिया था, फोर साइड सागा जिसका पूरा टाइटल बन गया था। एक टाइटल पे फोर साइड सागा कब पब्लिश हुआ था, 1922 में, ये याद रखना है। ये तो फर्स्ट ट्रायलॉजी हो गया। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही दिया है कि गोल्सवर्दी वेंट ऑन टू द विन नोबल प्राइज। गोल्सवर्दी को नोबल प्राइज भी दिया गया था, कब, लिटरेचर में दिया गया था, कब, 1932 में दिया गया था। किस लिए दिया गया था, फोर साइड सागा के लिए ही दिया गया था, इनका वर्क फोर साइड सागा के लिए इनको 1932 में नोबल साहित्य यानी कि नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था। वन ऑफ द रेयर ओकेशन इन विच द, और किसने दिया था ये भी, नोबल प्राइज कौन देता है, तो ये याद रखना है, स्वेडिश एकेडमी देते हैं, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि नोबल प्राइज़ किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्वेडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। हैज़ अवार्डेड अ प्राइज़ फॉर स्पेसिफिक वर्क के लिए दिया जाता है, इंस्टीड ऑफ फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ वर्क, ये याद रखना है। ओके, और हम क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे, और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे, क्या कहा जा रहा है, नोट क्या है, गोल्सवर्दी रोड टू इंटर कनेक्टिंग शॉर्ट स्टोरीज Called here interludes to bind the three novels together and publish the whole as the four side saga 1922. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गोल्सवर्दी ने तीनों नॉवल्स को एक साथ जोड़ने के लिए 2 परस्पर जुड़ी लघु कथाएं जोड़ी, मतलब उन्हें क्या कहा जा रहा है, इंटरल्यूड्स कहा जा रहा है। इंटरल्यूड्स उन्होंने क्यों लाए, क्योंकि 2 नॉवल्स को, उनको 3 नॉवल्स को क्या करना था, जोड़ना था, ठीक है, 3 नॉवल्स को एक साथ जोड़ने के लिए उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरीज को क्या किया, कनेक्ट किया, उस शॉर्ट स्टोरीज को क्या कहा जाता है, इंटरल्यूड्स कहा जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है, जो पूरी कहानी को द फोर साइड सागा जो कि 1922 के रूप में प्रकाशित किया है, पूरी कहानी को, ये पूरी एक कहानी बन गई थी, ये कब पब्लिश हुआ था, 1922 में पब्लिश हुआ था। तो ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे इंडियन समर ऑफ अ फोर साइड इज कंसिडर्ड टू बी गोल्सवर्दी मास्टरपीस, ये जो इंडियन समर ऑफ अ फोर साइड सागा फोर साइट है, ये गोल्सवर्दी का मास्टरपीस माना जाता है। और द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जॉलियन इन फोर साइट सागा बियर्स रिजेंबल टू हिज फादर, इसमें क्या होता है, फोर साइट सागा में जो ओल्ड जॉलियन है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फोर साइट सागा में जो ओल्ड जॉलियन का जो फिगर है, जो पोर्ट्रेट है, उनके पिता से मिलता जुलता है। इसमें कहानी ओल्ड जॉलियन की ही बताई गई है, ओल्ड जॉलियन की कहानी बताई गई है, तो ये याद रखना है। ओके, चलिए फिर इसकी कहानी हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे बस जो की फैक्ट है, यानी कि जो फैक्ट ही बोल सकते हैं, वही लेके आए हैं। सेकेंड ट्रायलॉजी उनकी कौन सी है, सीक्वल टू द फोर साइड सागा। इन्होंने क्या किया, गोल्सवर्दी ने फोर साइड सागा का सीक्वल लिख दिया, एक और कड़ी उन्होंने लिख दिया। सीक्वल मीन्स क्या होता है, कड़ी, फोर साइड सागा की अगली कड़ी क्या है। गोल्सवर्दीज ओन सीक्वल टू द फोर साइड सागा केम इन अ मॉडर्न कॉमेडी, ये याद रखनी है, मॉडर्न कॉमेडी, जो कब आया था, रिटन इन द ईयर्स 1924 टू 1928। तो गोल्सवर्दी ने फोर साइड सागा लिखा, उसके बाद उन्होंने एक और कड़ी लिखी, उस कड़ी का क्या नाम था, अ मॉडर्न कॉमेडी, जो कब से कब लिखा गया था, 1924 से 1928 के बीच में ये लिखा गया था, मॉडर्न कॉमेडी। इसमें भी क्या थे, दिस कंप्राइजेज अ नॉवल, इसमें भी 3 नॉवल्स थे, इसमें भी कितने नॉवल्स थे, 3 नॉवल्स थे और 2 इंटरल्यूड था, ये भी ध्यान देना है, 2 इंटरल्यूड था। जैसे पहला नॉवल क्या है, द वाइट मंकी, ये पहला नॉवल था द वाइट मंकी, उसके बाद फिर एक इंटरल्यूड आता है, इंटरल्यूड क्या था, अ साइलेंट वूविंग। उसके बाद सेकेंड नॉवल क्या था, द सिल्वर स्पून, ये सेकेंड नॉवल था। उसके बाद फिर एक इंटरल्यूड आता है पासर्स बाई,
एंड थर्ड नॉवल जो था, थर्ड नॉवल क्या था, स्वान स्वांग। तो ये आपने याद रखनी है, ओके। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सिल्वर स्पून कब आया था, ये सेकेंड नॉवल था, ये आपने याद रखनी है। सेकेंड नॉवल कौन सा था, सिल्वर स्पून। अभी हमने पढ़ा है वाइट मंकी कब आया था, ये मैंने बताया है। वाइट मंकी 1924 में आया था, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। वाइट मंकी कब आया था, 1924 में आया था। उसके बाद आपका क्या आता है, अ साइलेंट वूविंग। उसके बाद अ साइलेंट वूविंग कब आया था, 1927 में आया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों इंटरल्यूड मॉडर्न कॉमेडी के ना, दोनों इंटरल्यूड 1927 में ही आए थे, तो ये आपने याद रखनी है, ओके। द सिल्वर स्पून कब आया था, तो ये याद रखिएगा 1926 में आया था द सिल्वर स्पून। और लास्ट जो था आपका स्वान स्वांग, स्वान स्वांग ये भी नॉवल था, ये 1928 में आया था। तो ये याद रख सकते हैं, ये फोर साइड सागा का सेकेंड ट्रायलॉजी है, ओके, मॉडर्न कॉमेडी। तो ये आपने याद रख सकते हैं, ओके। और ये पूरा तीन नॉवेल्स दो इंटरल्यूड पूरा एक साथ उन्होंने क्या बना दिया, ट्रायलॉजी बना दिया। और ये ट्रायलॉजी कब पब्लिश हुई थी, 1929 में ट्रायलॉजी पब्लिश हुई थी, जिसका टाइटल क्या रखा गया था, अ मॉडर्न कॉमेडी, अ मॉडर्न कॉमेडी, ये याद रखना है, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम थर्ड ट्रायलॉजी पे। थर्ड ट्रायलॉजी इनकी थी, मतलब एक और ट्रायलॉजी आ गई, वो तीसरी क्या थी, तीसरी थी एंड ऑफ द चैप्टर था। जैसे गॉल्सवर्दी रोट वन फर्दर ट्रायलॉजी, गॉल्सवर्दी ने एक और ट्रायलॉजी लिखी, एक और कड़ी लिखा, उसका नाम क्या था, एंड ऑफ द चैप्टर, जिसमें कंप्रोमाइजिंग था, जिसमें कितने नॉवल्स थे, मेड इन वेटिंग था, नॉवल्स ही था, फ्लावरिंग विल्डरनेस और ओवर द रिवर, जिसे हम वन मोर रिवर के नाम से भी जानते हैं, जिसे वन मोर रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नॉवेल्स हो गए थे, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और मेड इन वेटिंग कब आया था, तो ये याद रखना है, मेड इन वेटिंग कब आया था, मेड इन वेटिंग 1931 में आया था, ओके। फ्लावरिंग विल्डरनेस कब आया था, 1932 में, ये सिक्वेल है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। वो ओवर द रिवर कब आया था, तो 1933 में, ठीक है, 1933 में ओवर द रिवर आया था, तो ये आपने याद रखना है। और ये तीनों मिला के एक ये तीनों नॉवेल्स थे इसमें, और ये जब पब्लिश कराया गया, इसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल था एंड ऑफ द चैप्टर, इसका टाइटल था एंड ऑफ द चैप्टर। और ये पब्लिश कब हुआ था, ये पूरा एक साथ कब पब्लिश हुआ था, तो 1934 में, तो ये ध्यान देना है, ओके। चलिए फिर आगे भी देख लेते हैं कुछ फैक्ट, ठीक है। तो ये था एंड ऑफ द चैप्टर, यानी कि अध्याय का अंत उन्होंने लिखा था। आगे कुछ फैक्ट है ये भी देख लेते हैं। दिस ट्रायलॉजी चीफली डील्स विद माइकल मॉन्ट्स यंग कजिन डैनी चेरेल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो ट्रायलॉजी है, ये मुख्य रूप से माइकल मॉन्ट के युवा चचेरे भाई डैनी चेरेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और नोट में यहाँ के क्या कह रहा है कि दीज थ्री ट्रायलॉजीज आर पब्लिश अंडर द कलेक्टिव टाइटल ऑफ द फोर साइड क्रॉनिकल्स। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो तीनों ट्रायलॉजी है, ये तीनों ट्रायलॉजी पब्लिश हुआ था किसके टाइटल के अंदर, द फोर साइड क्रॉनिकल्स। यानी कि ये तीनों ट्रायलॉजी को क्या कर दिया गया था, एक साथ करके इसको पब्लिश करा दिया गया था, और टाइटल पर क्या लग दिया गया था, द फोर साइड क्रॉनिकल्स लिख दिया गया था, द फोर साइड क्रॉनिकल्स लिख दिया गया था। एडजस्ट होप की समझ में आ गया होगा। चलिए फिर ओके आगे क्या कहा जा रहा है, इन 1994, इम्पोर्टेंट है ये, इन 1994 सुलेखा डॉशन रोट अ सीक्वल टू द फोर साइड्स कॉल्ड द फोर साइड्स द सागा कॉन्टिन्यूज। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि सुलेखा डॉशन ने द फोर साइड की अगली कड़ी लिखी, जिसका नाम क्या था, द फोर साइड्स द सागा कॉन्टिन्यूज था। तो ये याद रखना है, 1994 में सुलेखा डॉशन ने एक सीक्वल लिखा, किसका, फोर साइड का, जिसे द फोर साइड सागा कॉन्टिन्यूज भी कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ओके। ये फोर साइड क्रॉनिकल्स हैं, ये मतलब एडेप्टेशन है, किस पे कौन सी फिल्म बनी हुई है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, ओके। दी फोर साइड क्रॉनिकल्स है, इसको हम स्किप करते हैं, इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, अच्छे थोड़ा बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये आप ले सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट,
द सेल्वेशन ऑफ अ फोरसाइट, ये क्या है, द सेल्वेशन ऑफ स्वीडन फोरसाइट 1900। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सी क्रॉनिकल्स है, ये फोरसाइट क्रॉनिकल्स है। ओके चलिए इसको स्किप करते हैं, यहाँ तक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्लेस ऑफ गोल्सवर्दी, गोल्सवर्दी के कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं ये हम देखेंगे, कौन कौन से प्लेस हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब बात गोल्सवर्दी के प्लेस की आती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1906 में सिल्वर बॉक्स आया था, इनका फर्स्ट प्ले था। 1907 में जॉय आया था, ये सारा प्लेस हैं, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं प्लेस ही पढ़ रहे हैं। तो 1907 में क्या आया था, जॉय आया था। 1909 में स्ट्राइफ आया था, ये याद रखना है, 1909 में क्या आया था, स्ट्राइफ आया था। ओके चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नहीं है। 1910 में जस्टिस आया था, 1911 में द लिटिल ड्रीम, 1912 द पिजन, ये सारा ही प्लेज है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 1912 द एल्डेस्ट सन, 1913 फ्यूजिटिव, 1914 द मॉब, 1915 अ बिट ऑफ लव, 1920 द फाउंडेशंस, 1920 द स्किन गेम। आगे देखेंगे आगे कौन सा इनका प्लेज है, 1922 विंडोज, 1922 अ फैमिली मैन, 1922 लॉयल्टीज, ये लगातार 1922 में ही आए हैं, 1924 द फॉरेस्ट, 1926 एस्केप, 1929 एग्जाइल, 1929 द रूफ, 1935 द विंटर गार्डन, ये सारे इनके प्लेज हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इनका सिक्स शॉर्ट प्लेज, सिक्स शॉर्ट प्लेज इनका है, यानी कि जिसे कहा जा रहा है वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले। तो वन एक्ट प्ले में इनका कौन कौन सा प्ले है, ये शॉर्ट प्ले है, शॉर्टर प्लेज है, यानी कि शॉर्ट प्लेज है। द फर्स्ट एंड द लास्ट, ये वन एक्ट प्ले है। द लिटिल मैन जो 1915 में आया था, ये भी एक वन एक्ट प्ले है। हाल मार्क्ड अ सटायरिक ट्रिफल, ये भी क्या है, एक वन एक्ट प्ले है। डिफीट अ टिनी ड्रामा, द सन अ सीन, पंच एंड गो अ लिटिल कॉमेडी, पंच एंड गो क्या है, एक लिटिल कॉमेडी है, जो कब आया था 1935 में आया था। तो ये सारा ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ लिया जाएगा। ओके चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या है, नेक्स्ट पोएम्स है, पोएम्स, पोएम्स क्या क्या है, इन्होंने पोएम्स कौन कौन से लिखे हैं। 1912 में मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स है, ये पोएम्स इन्होंने लिखा है। और 1921 में द बेल्स ऑफ पीस, 1926 वर्सेस ओल्ड एंड न्यूज, ओल्ड एंड न्यू, 1932 40 पोएम्स एंड 1934 कलेक्टेड पोएम्स, ये इनकी पोएम है, बहुत इंपॉर्टेंट है पोएम्स। आगे भी देख लेते हैं आगे कौन से पोएम्स हैं इनके, आगे है पास्ट, पास्ट भी इनकी पोएम्स है, और ड्रीम भी इनकी पोएम्स है, इरेंट्री ये भी पोएम्स है, डिवोन टू मी ये भी पोएम्स है, रशिया अमेरिका ये पिछली बार आया था, आई थिंक 2021 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ लिया था, तीनों दे दिया था यहाँ पे, क्या क्या दिया था, आई थिंक हाँ डिवोन टू मी दिया था, रशिया अमेरिका दिया था, इंग्लैंड टू फ्रीमैन दिया था, ये तीनों ही ऐसे दे दिया था, और एक एक अदर वर्क्स दे दिया था, पूछ लिया गया था कि गोल्सवर्दी का कौन सा इसमें वर्क्स है। अभी 2021 में ही ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपने ध्यान देना है। रसिया अमेरिका हो गया, इंग्लैंड टू फ्री मैन, एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड बिकेट, तो ये जो हमने पढ़ा है अभी, ये सारे इनके पोएम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे कहा है कि गोल्सवर्दी ने हैज़ रिटन इन ऑल राउंड लेस देन 100 पोएम्स उन्होंने लिखी है। आगे देख सकते हैं उन्होंने इससे भी लिखा है, इससे उनके कौन कौन से हैं, 1912 में क्वालिटी आया है, ये इनका इससे है। 1912 में द इन ऑफ ट्रैंक्वालिटी, ये भी इससे है। 1912 में एड्रेसेस इन अमेरिका, ये भी आपका इससेज है। 1930 में टू एसेज ऑन कॉनरेड, ये भी इनका इससे है गोल्सवर्दी का। अब इनका कुछ कलेक्शन है, देख लेते हैं इनका कलेक्शन क्या क्या है। कलेक्शन है द मैनाटोन एडिशन, ये इनका एडिशन कब से कब तक था, 1923 से 1926 तक 30 वॉल्यूम्स में था। द ग्रोव एडिशन इनका आया था 1927 से 1934 तक, ये 27 वॉल्यूम्स में था, तो ये इनका कलेक्शन भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, नेक्स्ट है अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उनके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम एक नज़र देख लेते हैं। आप इसको एक से दो बार वीडियो देखेंगे ना, तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। जिसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, एसेज हैं एंड लेटर्स हैं, इसमें क्या क्या है, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज एंड लेटर्स हैं, तो देख लेते हैं। विला रूबेन एंड अदर स्टोरीज 1900 में आया था ये,
और ये जॉन सिन जॉन के नाम से आया था, जॉन सिन जॉन के टाइटल से आया था। अ कॉमेंट्री इनका 1908 में आया था, फ्रेटर्निटी 1909 में आया था, अ जस्टिफिकेशन फॉर द सेंसरशिप ऑफ प्लेस ये 1909 में आया था इनका वर्क था, अमोटले इनका कब आया था, अमोटले 1910 में आया था, उसके बाद द जापानीज क्वींस 1910 में आया था, उसके बाद द स्प्रिट ऑफ पनिशमेंट 1910 में, हॉर्सेज इन माइंस 1910 में, द पेट्रिशियन 1911, मूड सॉन्ग्स एंड डॉगेरल्स 1912, फॉर लव ऑफ बीस्ट 1912, मतलब जानवरों के प्रति उनका प्रेम था। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स 1933 में आया था, ये सब इनके लेटर्स भी हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए द स्लॉटर, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड 1913 में आया था, दी डार्क फ्लावर 1913 में, द फ्री लैंड्स 1915, अ शीप 1916, बियॉन्ड 1917। पहले हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, देन इसको एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। फिर इन्होंने फाइव टेल्स लिखा था 1918 में, इनका फाइव टेल्स आया था, वो कौन कौन सी पांच कहानियां इन्होंने लिखी थी, वो कौन कौन सी थी, तो पांच कहानियां इनकी थी, द फर्स्ट एंड लास्ट, अ स्टोइक, द एप्पल ट्री, द जूरी मैन, इंडियन समर ऑफ अ फोर्थ साइट, ये फर्स्ट इंटरल्यूड ऑफ द फोर्थ साइट सागा का है। तो ये पांच टेल्स थी इनकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेंट्स प्रोग्रेस 1999 में आया था, टेट्राडेमोलियन, ये शॉर्ट स्टोरीज है, जो कब आया था 1920 में आया था, तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे, ओके। चलिए फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, टेट्राडेमोलियन, ये याद रखना है, टेट्राडेमोलियन, ओके। कैप्चर्स 1923 में, अब्राकाडाब्रा 1924 में, ओल्ड इंग्लिश 1924 में आया था, कार्मा इनका आया था, द असेंबल टेल्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी, न्यूयॉर्क चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन 1925, ये भी इनका लेटर हो सकता है, ये लेटर था कार्मा, असेंबल टेल्स ऑफ टेल्स था। चलिए नेक्स्ट है, कासल इन स्पेन 1927 में, बॉम्बी मार्च 1628 रोड द फोर वर्ड टू फिलिक्स सॉल्टेंस, फिलिक्स, ओके, तो ये याद रखना है आपने, ओके। यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉम्बी मार्च 1628 रोड द फॉरवर्ड टू फिलिक्स, ये अलग पॉइंट नहीं है इसी में, फिलिक्स सॉल्टेंस नाउ फेमस नॉवेल, ओके, ये नॉवेल है इनका। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोमस एंड द फ्लैग 1930 में आया था, द क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर्स इन लिटरेचर 1931 में आया था, द रोमांस लेक्चर फॉर 1931, ओके, तो ये याद रखना है, ये रोमांस का लेक्चर था जो कब आया था 1931 में आया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल लेटर्स ऑफ गॉल्सवर्दी जो कि एक कॉरेस्पोंडेंस विद फ्रैंक हैरिस 1933 में आया था, जो कि एक लेटर्स था, द लाइफ एंड लेटर्स 1935 में आया था, द विंटर गार्डन 1935 में आया था। उसके बाद देख सकते हैं फोर साइड्स पेंडिसिस एंड अदर्स 1935 में आया था, तो ये ध्यान देना है, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फोर साइट पेंडिसिस एंड अदर 1935 में आया था पेंडिसिस, फिर है सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज 1935 में आया था, ग्लिम्पसेस एंड रिफ्लेक्शन 1937 में आया था, गॉल्सवर्दीज लेटर्स ऑन लियोन लॉयन 1968 में आया था, एंड लास्ट है लेटर्स फ्रॉम जॉन गॉल्सवर्दी 1900 1932 1970, ये इनका लेटर्स था, आया हुआ था, ओके, ये लास्ट था, इसके बाद बस इतना ही है वर्क। तो कैसे लगे, मैंने सोचा जितने भी वर्क्स हैं गॉल्सवर्दी से रिलेटेड, चाहे एसे हो, चाहे कलेक्शन हो गए, या पोएम्स हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गए, प्लेज हो गए, उनके जो ट्रायलॉजी हैं, सब एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। आप एक से दो बार इस वीडियो को देखेंगे ना, तो सारे वर्क आपके दिमाग में आ जाएंगे, और हम इसका विद एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, तब आपका और क्लियर हो जाएगा। तो ये वाले जो भी वर्क है ना, इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का बनने वाले हैं, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।